हेलो एंड वेलकम बैक टू द गेम ऑन। आप सभी को पता होगा कि आईपीएल के जो प्ले ऑफ मैचेस हैं वो स्टार्ट हो गए हैं, आज से उनकी शुरुआत होगी। लेकिन इसके बाद हम सभी को पता है कि 4 से 5 दिन के बाद आईपीएल की समाप्ति हो जाएगी और टीम इंडिया अपने वर्ल्ड कप के कैंपेन में लग जाएगी। वर्ल्ड कप कैंपेन का मतलब है एक नया मिशन, और उस नए मिशन के बाद जो एक चीज है होता है वो है राहुल द्रविड़ जो है वो कोचिंग पद से इस्तीफा दे देंगे। हम सभी को पता है कि वो रेजिग्नेशन देने वाले हैं, वो अपने जो उनका जो टेन्योर है उसको एक्सटेंड नहीं कराने वाले हैं, और इसी के चलते बीसीसीआई ने अभी से एक नया कोच ढूंढना स्टार्ट कर दिया है। जी हाँ, बीसीसीआई इस कवायद में लग गया है कि जल्दी से जल्दी एक नया कोच और एक अच्छा कोच टीम इंडिया को दिया जाए। इसके लिए जो सबसे मुख्य चॉइस है बताया जा रहा है कि स्टीफन फ्लेमिंग होंगे, और स्टीफन फ्लेमिंग का मतलब है कि बीसीसीआई उनसे बात कर रही है। लेकिन उनका मानना है स्टीफन फ्लेमिंग का कि टीम इंडिया का जिस तरह से बिजी शेड्यूल रहता है तो वो यहाँ पर कोचिंग कर मतलब उस तरह से नहीं कर सकते, या फिर इतने बिजी शेड्यूल में शायद वो नहीं रह पाएंगे। उनका मानना है कि वो छोटी छोटी लीग्स में कोचिंग करके खुश हैं और उतना ही करना चाहते हैं, बाकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अब बीसीसीआई ने धोनी को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है उनका, क्योंकि मानना है कि धोनी के जिस तरह से रिलेशन है स्टीफन फ्लेमिंग से, क्योंकि अगर हम 2008 आईपीएल की बात करते हैं तो वहां पर भी आपको साफ तौर पर समझ में आएगा कि किस तरह से मतलब धोनी की कप्तानी में खेले थे स्टीफन फ्लेमिंग, फिर वही कोच बनते हैं सीएसके के, और फिर उसके बाद पुणे सुपर जायंट्स में जब धोनी गए थे, जब सीएसके 2 साल के लिए बैन हुआ था तो वहां पर भी धोनी ने सिफारिश करके उनको कोच बनवाया था। तो ये सारी के सारी चीजों को देखते हुए बीसीसीआई धोनी से सिफारिश कर रहा है कि आप फ्लेमिंग को मनाइए, उनसे बात कीजिए और उनको कोचिंग के लिए मनाइए और कि वो कोच बन जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो पहले नंबर पर गौतम गंभीर है। जी हाँ, तब टीम इंडिया नए रास्तों को देखेगी, तो वहां पर गौतम गंभीर पहले नंबर पर है। महिला जयवर्धने का नाम सामने आ रहा है, रिकी पॉन्टिंग का नाम सामने आ रहा है, जस्टिन लैंगर का नाम सामने आ रहा है। तो ये बहुत सारे अलग अलग कोचेस हैं जिनका नाम सामने आ रहा है, अगर स्टीफन फ्लेमिंग नहीं मानते हैं, और हो सकता है कि ना भी माने, लेकिन अगर धोनी कहेंगे तो यू नेवर नो कि हम जानते हैं किस तरह से चीजें बदल सकती हैं और वो कोच बन सकते हैं टीम इंडिया के। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अब आप बताइए, फिलहाल आप किसको कोच बनते हुए देखना चाहते हैं टीम इंडिया का, और कौन बनेगा? क्या वो स्टीफन फ्लेमिंग होंगे, गौतम गंभीर होंगे, या फिर कोई और? जल्दी जल्दी जो भी लगता है आपको कॉमेंट करके बताइए।